आतंकित किया। सर, पुलिस गेस्ट हाउस में दुष्कर्म की घटना, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण, क्या आपको नहीं लगता पूरी सरकार को जिम्मेवारी लेनी चाहिए इससे? निश्चित रूप से मैं तो कहूंगा कि पुलिस गेस्ट हाउस में तो घटना घटी और घटने के बाद भी मामला को रफा दफा करने की कोशिश की और जब वो पीड़िता महिला आयोग में गई तो वहां पर उन्होंने दर्ज किया और इसके बाद फिर एफआईआर होता है तब कार्रवाई होता है। ये पुलिस की जो चेहरा है अमानवीय और बिल्कुल स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हुआ कि भाई किस प्रकार से राज्य में पुलिस विभाग काम कर रही है, यानी मामला को पूरी तरह से दबाने की कोशिश कर रहे थे और इसलिए मैं तो कहूंगा कि पूरे मामलों की जांच होनी चाहिए और जो लोग दोषी है, क्योंकि जहां लोगों को सुरक्षा की उम्मीद होती है वहीं अगर इस प्रकार की घटनाएं हो और पुलिस उसमें इन्वॉल्व हो तो उन लोगों को तो बिल्कुल बर्खास्त कर देनी चाहिए और कठोर से कठोर दंड उन लोगों को मिले। सर, सदन में उठाएंगे इस बात को? अब सदन में निश्चित रूप से जितनी समय है हम लोगों ने जब तय किया ही है तो उस हिसाब से सारे मामले उठेंगे, लॉ एंड ऑर्डर का। सर, एक अंतिम प्रश्न, सर, कमलेश शर्मा नामक व्यक्ति लालू प्रसाद यादव से मिलते हैं, बिहार जाके कहते हैं कि लगातार उनकी लालू प्रसाद यादव से बात होती है, यहाँ की तमाम जानकारियां वो उनको देते कन्वे करते हैं। जेल मैनुअल बार बार कहा है कि राज्य सरकार से भी कि भाई लालू जी के हित में भी है और राज्य सरकार के हित में भी जेल मैनुअल का पूरी तरह से पालन होना चाहिए, लेकिन आए दिन जो अखबारों में समाचार छाप रहे हैं, फोटो भी छाप रहे हैं, लगता है कि इस सरकार को कोई कानून से मतलब नहीं है। और लालू जी लीडर हैं तो मैं उनसे भी ये विनती करूंगा, उनको भी लॉ क्या कहते हैं इसको जेल मैनुअल का अनुपालन करना चाहिए। और मैंने कहा कि मैं आरती, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहें बीएनबी के साथ और वीडियो पसंद आने पर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो बने रहें बीएनबी के साथ, बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद।